गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर डूइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ 10th क्लास, दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वी आर डूइंग इट प्रॉपरली. सो वट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर? इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल जनरेटर. सो जनरेटर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है. ये दो टाइप का होता है, एसी एंड डीसी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट एसी जनरेटर. सो एसी जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का यूज करते हुए. क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, यानी कि EMI पे. कैसे काम करता है? व्हेन द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड करंट फ्लो इन द सर्किट कनेक्टेड विद द कोयल. उस कोयल के साथ जो करंट इंड्यूस्ड होता है वो फ्लो करता है. इट मीन्स आप बेसिकली इसको ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिकल जनरेट जब कोई भी चीज़ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी. लाइक मान लो ये लाइन्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स हैं, इसके अंदर अगर वो रोटेट करेगा तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका आता है कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में क्या है? द मेन कंपोनेंट ऑफ एसी जनरेटर आर आर्मेचर, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेज. ओके, आर्मेचर कोयल ABCD कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर. आर्मेचर कोयल क्या होती है? एक इस टाइप की होती है, मीन्स इस, अभी आपको हम डायग्राम दिखाएंगे उसमें आपको पता भी चल जाएगा. एक इस टाइप का होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है, उसमें काफ़ी सारे टर्न्स, मतलब इसी शेप में काफ़ी सारे टर्न्स दी होती हैं हमने, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर. आफ्टर द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हम दोनों तरफ क्या रख देते हैं? इसके दोनों तरफ हम एक मैग्नेट रख देते हैं जो हमें एक मैग्नेट प्रोवाइड करा देता है. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हुज पोल्स नॉर्थ एंड साउथ आर सिलेंड्रिकली इन शेप इन ए फील्ड मैग्नेट. आर्मेचर कोयल रोटेट क्या करती है? इन दोनों के बीच में रोटेट करती है एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द कोयल. आफ्टर दैट स्लिप रिंग्स द टू एंड्स ऑफ द आर्मेचर द कोयल्स आर कनेक्टेड टू ब्रास स्लिप रिंग्स. फिर हम उनको किससे कनेक्ट कर देते हैं? स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं. दिस रिंग रोटेट अलोंग विद आर्मेचर कोयल, और ये रोटेट करेगी आर्मेचर कोयल के साथ. आफ्टर दैट ब्रशेज, तो हम दो कार्बन ब्रश यूज करते हैं, फिक्स कर देते हैं उसको स्लिप रिंग के साथ. किसके साथ लगाते हैं? स्लिप रिंग्स के साथ. वो रोटेट करती है आर्मेचर के साथ. आर्मेचर कुछ नहीं, बेसिकली एक रेक्टेंगल शेप का मटेरियल है. दिस ब्रश कनेक्ट टू द, यही ब्रश किसके साथ कनेक्ट होती है? एक्सटर्नल आउटपुट के साथ. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट हम इसका करेंगे वर्किंग. पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ ताकि आपको सारा समझ आ जाए. ये वो दो मैग्नेट हैं जो हमने लिए हैं सिलेंड्रिकल शेप का. ये हमारा आर्मेचर है, ये हमने बीच में स्लिप रिंग्स ली हैं, ठीक, सॉरी कम्यूटेटर है. ये इसके साथ देखो दो ब्रश अटैच हैं, और ये हमारा इसके साथ कनेक्ट है रिंग्स, यहाँ से जो कनेक्ट है. यहाँ से हमें बेसिकली मिलता क्या है? हमें यहाँ से मिलता है EMF, यानी कि E. हमें इसमें वोल्टेज मिलती है, आउटपुट में वोल्टेज मिलती है. और वी नो दैट अगर हम इसको R से डिवाइड करते हैं, मीन्स किसी लोड से डिवाइड कर दें, तो हमें मिलेगा करंट. तो इस प्रोसेस के थ्रू हमें इसमें करंट मिलता है जनरेटर में. सो बेसिकली ये क्या जनरेट करता है? ये EMF जनरेट करता है. ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब इसका वर्किंग करेंगे. वर्किंग, द एक्सले इन रोटेट इन सच ए दैट इट मूव इन ए क्लॉक वाइज डायरेक्शन. एक्सले उसमें रोटेट करेगा, दैट इज AB मूव जब, तो वो इस तरीके से रोटेट करेगा. इसको आप कुछ ऐसे समझो जैसे कि ये मान लो आपके पास एक रेक्टेंगल शेप का आर्मेचर है, ठीक है, और इस पे ये पेन, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड. तो आपको पता है ये कौन से राइट हैंड रूल पे काम करता है. अब कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि मोटर में लेफ्ट लगता है या राइट लगता है, जनरेटर में लेफ्ट लगता है तो राइट लगता है. सिंपली लॉजिक याद रख लो, स्कूल में मैक्सिमम जनरेटर होते हैं, स्कूल हमारे लिए क्या एक राइट प्लेस है, ठीक है. सो इस पे हमेशा राइट हैंड रूल लगेगा. तो आप अपने हाथ को यूज करो राइट हैंड वाले को. ये फोर्स को शो करेगा, ये किसको शो करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को, और ये करंट को, ठीक है. सो आप देखो ये हमारा इसमें कैसे, आप इस मतलब करंट के लिए हम इसको यूज करेंगे. तो ये इधर हो गया बी मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ये ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? करंट. इधर क्या लग रहा है? फोर्स.
तो जब आप इसको इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो ये बॉडी ऐसे रोटेट करेगी, इस तरीके से रोटेट करेगी, ठीक है। और ये जब रोटेट करेगी तो इसके साथ जो यहाँ पे वायर अटैच होंगे वो ना उलझे, इसीलिए हमने इसके साथ ब्रश अटैच करी है। जब एक्सले रोटेट करेगा ना तो हम, आपने देखा भी होगा जनरेटर को हम ऐसे ही तो चलाते हैं, उसके साथ घुमाते हैं तो कंटिन्यू घूमेगा, ठीक है, ये घूमेगा, ओके। तो मूव्स अप एंड सीडी मूव्स डाउन, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इंड्यूस्ड करंट, इसमें इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा। सो कैसे करंट होएगा, बी वन ए बी, ठीक है, बी से फिर ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर बी टू, फिर इस तरीके से रोटेट करता रहेगा। इट मीन्स एक्सटर्नल करंट फ्लो फ्रॉम बी टू।